गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज वापस से मैं आपके लिए लेके आया हूँ अहवाल लेखन, जिसको हम कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। गुजराती के अंदर इसको आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, कैश पेमेंट में मार्क्स मिलेंगे। पहला ऐसा था कि 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, हम बात कर रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज गुजराती, 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर सेकेंड लैंग्वेज गुजराती का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पर अहवाल लेखन किस तरह से लिखना होता है उसका एक नया फॉर्मेट इस बार टेक्स्ट बुक में, गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। प्लीज़ उसको ध्यान से हम रिफ़र करेंगे। टेक्स्ट बुक की यहाँ पर उपस्थिति होनी बहुत ज़रूरी है। कुछ नया तरीका दिया है, अगर पुराने तरीके से आप रिपोर्ट राइटिंग करोगे हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए, या उसका फॉर्मेट गलत होने के कारण से आपको मार्क्स भी ना मिले। सो बेटर है टेक्स्ट बुक के अंदर, मैंने यहाँ पर आपके लिए भी उसका लिया हुआ है एक नमूना, तो हम उसको ध्यान देंगे और बहुत ही अच्छी तरह से रिपोर्ट राइटिंग अहवाल लेखन के जो पूरे 5 मार्क्स है वो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश करें। पहले ऐसा था कि लेटर राइटिंग या कहानी लेखन होता है, वार्ता लेखन होता है, उसके ऑप्शन में अहवाल लेखन चलता था, और वही कारण था कि हम लोग अहवाल लेखन को हमेशा इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। पर अब ये स्वतंत्र अस्तित्व वाला है, मतलब आपको कंपल्सरी लिखना पड़ेगा। एंड अहवाल लेखन एक मैजिकल वर्क है, मतलब अगर आप ध्यान से हर एक चीज़ को वन बाय वन फॉलो करोगे तो इसके अंदर आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है, लाइक 4, 4 एंड हाफ, या हो सकता है कि अच्छी प्रैक्टिस विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक आप 5 भी स्कोर कर लो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो गुजरात बोर्ड होता है उसका जो रैंकर लोग होते हैं, लाइक 90 अप जो मार्क्स स्कोर करते हैं गुजराती, उसका पेपर कम से कम 2 या 3 बार चेक होता है। सो हमेशा यही आपको प्राउड फील करना है कि आपका पेपर भी 2 या 3 बार चेकिंग होगा, बिकॉज ऑफ वी आर रैंकर, वी आर टॉपर, एंड वी आर हम कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूसरों को ये बता सकते हैं कि देखो ये हमारे पांव के निशान है, इसको फॉलो करो, आपको भी सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। देखते हैं यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग अहवाल लेखन का क्या नया तरीका बताया गया है। यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया है अहवाल लेखन क्या होता है। देश विदेश में दिवसे दिवसे जो भी घटनाएं बन रही है, कोई घटना सौ माटे आश्चर्य उत्पन्न कराती है, थोड़ी बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो रोज बरोज हो रही है, हम हर रोज वैली सवारे उठते हैं, वर्तमान पत्र न्यूज़पेपर अखबार हम उसको चेक करते हैं, कौन से शहर में, कौन से गांव में, कौन से देश में कौन सी घटना बनी, वो हमेशा हमारे पापा पढ़ते, मम्मी पढ़ते, हम भी पढ़ते हैं। घटना अपनी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, पर हाँ हमारे आसपास की दुनिया है उसमें क्या बन रहा है वो उस घटना के थ्रू हम जान सकते हैं। घटना विषय वाची लिधा पछी आ घटना में बीजाने पर हम समझा सके उसका इजी तरीके से हमें रिपोर्ट राइटिंग करना होता है। आम कोई घटना नु मुद्दा सर टुक मा वर्णन एटले के अहवाल लेखन, शॉर्ट एंड स्वीट। घटना मतलब कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति को मुद्दा सर मतलब पॉइंट वाइज, एंड टुकमा मतलब शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जो बताया जाता है, दैट इज अहवाल लेखन। हाँ अहवाल लेखन माटे घटनाओना लखाणनो अनुभव जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। देखो यहाँ पर भी लिखा है प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा, है ना। पहले भी मैंने आपको बताया गया है कि पूरी टेक्स्ट बुक आप छान लोगे पूरे साल के अंदर, 20 है 25 है 30 है 37 तक के चैप्टर्स होते हैं, और वो कर करके थक जाते हैं। इंटरनल क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट आंसर करेंगे, फिर लॉन्ग आंसर करेंगे, ऑथर की पूरी हिस्ट्री छान लेंगे, फिर मैं पूछता हूँ कि भाई इतना सारा करने से क्या फ़ायदा हुआ, तो क्या सर पासिंग मार्क्स आएंगे, पर पासिंग मार्क इज अ 40, 45, 50, उसके अलावा ग्रामर है उसका, अगर सही प्रैक्टिस करेगा ना, कैश पेमेंट 50 में से 50 तरीके को गुजराती में आ सकते हैं, पर अगर तुम ग्रामर को अवॉइड करोगे तो टेक्स्ट बुक में कोई गारंटी नहीं मिलेगी, पर ग्रामर में तुम्हें गारंटेड मिनिमम 50-60 मार्क्स मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक तो तू पढ़ता ही है, सुनता ही है, अगर ग्रामर आता होगा ना तो तुम अपनी भाषा में कुछ क्वेश्चन आंसर भी लिख लेगा, यानी 17 या 80 वहां तक तू गारंटेड पहुंच जाएगा। इसलिए लिखा है यहाँ पर कि अहवाल लेखन नो अभ्यास करवा माटे अपनी हाजरी में बनेला बनाओ
પ્રસંગ અને ઘટનાનું લેખન કરવાથી ધીરે ધીરે આ વિષયનો આપણે સજ્જ થઈએ છીએ. મતલબ પ્રેક્ટિસ, પ્રેક્ટિસ નહીં કરોગે તો આપકો એવા લેખન નહીં આવેગા. ક્યાં ક્યાં ટોપિક હોતા જ્યાદાતર શાળામાં વિવિધ ઉત્સવો હોતે લાઈક એન્યુઅલ ફંક્શન, ઉસકો કહેતે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ, રમતોત્સવ મતલબ સ્પોર્ટ્સ ડે, વિદાય સમારંભ મતલબ 10-12 કા જો વિદાય સમારંભ કિયા જાતા હૈ વો, યા ફિર કોઈ ટીચર હોતા હૈ, શિક્ષક હોતા હૈ, ઉસકા વિદાય સમારંભ હોતા હૈ. ત્યોહાર કા સેલિબ્રેશન લાઈક ઈદ હૈ, દિવાલી હૈ, હોલી હૈ, રક્ષાબંધન હૈ, અલગ અલગ ઉજવણી લાઈક 26 જાન્યુઆરી હૈ, વૃક્ષારોપણ ડે હૈ. અકસ્માત કોઈ આપને એક્સિડન્ટ દેખા આપકે સ્કૂલ કે બહાર આપણે એરિયા મેં, કુદરતી ઘટના લાઈક ભૂકંપ હો ગયા યા આગ લગ ગઈ, કવિ સંમેલન હૈ હમારે જ્ઞાતિ કા જો ઇકઠ્ઠા હો કે જો કાર્ય કરતે હૈ ઉસકે બારે મેં હૈ, કોઈ વ્યાખ્યાન હુઆ યા કેમ્પ લગાયા ગયા શિબિર હુઆ તો ઉસકા હમેશા અહેવાલ મેં ઉલ્લેખ કિયા જાતા હૈ. તો યહાં પર ટૂંકમાં બનેલા પ્રસંગ અને ઘટનાનું આંખો કે દ્વારા દેખા ગયા શબ્દો કે દ્વારા વર્ણન કરના યાનિ કે અહેવાલ બનતા હૈ. અહેવાલ લેખન માટે ધ્યાનમાં રાખવાની કુછ બાબત જો નયે ટેક્સ્ટ મેં દિયા ગયા હૈ વો ઇસ તરહ સે ધ્યાન રખેંગે યહાં પર કે અહેવાલ લેખનની શરૂઆતમાં જમણી બાજુ યાનિ કે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ કે અંદર સબસે પહેલા આપકો તારીખ લિખની હૈ, તારીખ કા નમૂના ભી દિયા હૈ 28/11/2016 है ना, ऐसा लिख सकते हो. इंग्लिश में नंबर्स लिखो, गुजराती में लिखने जाओगे हो सकता है एक इंग्लिश में गुजराती हो जाए, आपका सर्कल हो जाएगा और आत्मा कट जाएगा, है ना. तो हमेशा तारीख जो है वो इंग्लिश में लिखो आप, है ना. तारीख के बाद आपको स्थल, स्थल के अंदर ज्यादातर आपको सिटी का उल्लेख करना है, कोई भी सिटी का नाम लिखेंगे. यहाँ पर एक नमूना दिया है, बहुत ही बेहतरीन नमूना है. कुछ आपके सामने प्रश्न इस तरह से आएगा कि तमारी शाळा में योजाएल पुस्तक प्रदर्शन नो अहवाल आश्रय 100 मतलब 100 शब्दों में तैयार करो. अगर एक आध दो ज्यादा वर्ड हो जाते हैं, 10-20 ज्यादा हो जाते कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. ध्यान देते यहाँ पर, पहले तो आपको हेडिंग लगाना है शाळा ना आंगणे पुस्तक प्रदर्शन, ये आप सेंटर में लोगे, थोड़ा सा बड़ा लिखोगे, अंडरलाइन करोगे, इन्वर्टेड कॉमा कर लोगे, ठीक है. यहाँ पर सिटी का नाम है दैट इज मेवासा और तारीख दिया है 24/10/2016. आपको ये इधर की साइड में लिखना है, राइट हैंड साइड के अंदर, ठीक है. फिर आपको पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, 24 है तो अंदर की साइड में हमेशा 23, ये जो है ना वो अखबार में प्रकट होने वाली डेट है. लाइक आज अगर हम न्यूज पेपर पढ़ रहे हो तो आज की जो तारीख है दैट इज 24/10/2016 है ना. तो ये जो प्रोग्राम हुआ था वो कल हुआ था, कल कौन सी डेट थी 23. तो देखो ये डेट आपको बहुत ध्यान में रखनी है. 5 P's का इस्तेमाल होता है, हमेशा याद रखें अहवाल लेखन में 5 P फॉलो 5 P's. पहला होता है पास्ट टेंस, एक तो भूतकाल का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा होता है परफेक्ट डेट, तीसरा होता है परफेक्ट टाइम, चौथा होता है परफेक्ट प्लेस जगह बताओ, पांचवा होता है परफेक्ट डेजिग्नेशन, कोई ना कोई पर्सन इसका ओपनिंग करने आता है. ये हम आगे पढ़ते हैं, पहले इस नमूने को ध्यान से समझ लेते हैं. यहाँ पर सिटी का नाम लिखा, तमारी शाळा मा, हमारी शाळा मा कर्म तीर्थ विद्यालय जो है, शाळा का नाम दिया, देखो अंडरलाइन किया है उसने, मा तारीख 23/10/2016 ना रोज पुस्तक प्रदर्शन करवामा आव्यू, फुल स्टॉप, आव्यू इज अ सिंपल सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस, ठीक है. शाळा ना पटांगण मा मतलब कंपाउंड में, यानी कि रमत गमत का मैदान, अगर आप आंगणा लिखो या मैदान लिखोगे तो भी चलेगा. आंगणा मा रंग बेरंगी मंडप मा, मंडप यानी बड़ो टेंट, मंडप मा बधाज विषयों ना हजारो पुस्तकों ने निहाळवानो, आप जोवानो इस्तेमाल कर सकते हो, जोवानो अवसर सहु ने मतलब सबको मिला, मळियो या फिर माणियो मतलब फील किया सबने. अब अपनी सिंपल भाषा में लिखो, जरूरी नहीं है कि हाई फाई या कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखो, सबसे जरूरी है गुजराती में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ऐसे ही शब्द को आपके अहवाल में एंट्री दो जो शब्द को आपके ऊपर, आपको उस शब्द पे भरोसा हो, है ना. अगर आपको नहीं लिखना आता है जिला शिक्षण अधिकारी श्री, मत लिखो वहां पर, है ना. वहां पर सिंपल लिखो मेयर, सूरत शहर ना मेयर. फिर वहां पर अगले प्रद्युमन सिंह जाडेजा, अब प्रद्युमन से लिखना नहीं आता है, अवॉइड करो उसको. राम भाई पटेल, राम भाई दवे, सिंपल वर्ड, सिंपल नाम का इस्तेमाल करें. इससे क्या होगा कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हाईलाइट होगी, स्पेलिंग मिस्टेक हाईलाइट नहीं होगी तो सामने वाले को यानी कि जो चेकर है आपके उसको लगेगा ओके इससे आता है. पर जितनी मिस्टेक्स
उतने मार्क्स आपके कट होने वाले हैं। सो यहाँ पर निहाड़वा मतलब जुवानो अवसर सहुए माणियो, अगला दिन से मतलब पहले दिन से, यानी कि यहाँ पर जो 23 है, यानी कि समझ लो 20, 21, 22, तब से अगला दिवसों माथी मज शाला में रंग बेरंगी मंडपनी अंदर 10 जेटला अलग अलग विभाग मतलब सेक्शन बनाए गए थे। 23 मतलब 23 तारीख ना वहली सवारे, देखो वहली और सवारे का इस्तेमाल किया, यहाँ पर आप अपना टाइमिंग लिख सकते हो, सवारे 7, इंग्लिश में नंबर लिखो 2020, परफेक्शन आएगा आपका, है ना 720। विद्यार्थियों पोतानी जवाबदारी मुजब कामगिरी संभाली ली थी। फिर क्या था अलग अलग सेक्शन में, क्या था तो के नवल कथा मतलब नॉवेल थी, कविता पोएट्री थी, नाटक ड्रामा, आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, जीवन कथा, ये सारी चीज़ों के अलग अलग प्रकार के बुक्स वहाँ पर सेट किए गए थे। सवारे 9 बजे यहाँ पर 9900 आचार्य श्री शिक्षकों अने गामना सरपंच, देखो यहाँ पर सरपंच ही लिखा है, आ कार्यक्रम ने खुल्लो मुक्यो तो शाळाना विद्यार्थियों गामना वडील भाई बहनों अने कॉलेज में अभ्यास करता विद्यार्थियों सांजे 4 बजे सुधी, देखो स्टार्टिंग का बताया कि 9 बजे चालू किया, स्टार्टिंग कितने बजे किया तो सुबह वहली सुबह ही सारे स्टूडेंट आ चुके थे, जिम्मेदारी ले ली, फिर ओपनिंग सेरेमनी हुई, उसके बाद शाम को ख़त्म भी का टाइम लिखा है। 4 बजे सुधी पुस्तक ना प्रदर्शन ना पुस्तकों संगा थे मैत्री केड़ी, मतलब हमने सबने देखा, ये थोड़ा हाई लेवल का है पर मैत्री केड़ी मतलब बहुत सारू लागू। पूर्णाहुति मतलब एंडिंग करना, आप पूर्णाहुति आपको याद नहीं होता है तो आभार विधि नो जो कार्यक्रम हतो ये आखे आखो मंडप नी अंदर दर्शकों जोवा माटे उभराय गया था। विद्यार्थियों पोताना मनपसंद पुस्तकों ने विगते नोंध लीधी, एनी साथे विशाल जत्था में आटला बधा पुस्तकों निहाळवानो सौने मळ्युं अने सौने खूब ज आनंद किया। काफ़ी सारे लोगों को देखने का लाइक कहते हैं विंडो शॉपिंग, उस तरह से काफ़ी सारे लोग बुक्स देखने आए हैं, जानकारी इकट्ठा करना आए, कुछ थे वडील थे, कुछ पेरेंट्स थे, वाली थे, उन लोगों ने परचेज भी किया। सांजना 4:30 यानी कि 4:30 प्रदर्शन नु समापन करवामा आव्यु। कुल 438 व्यक्तियों प्रदर्शन निहाळ्यु, क्योंकि एंट्री होती है कौन आया कौन गया, तो उससे आइडिया आया, तो आप ऐसा लमसम नंबर लिखो ना, 450 या 400 या 500 या ऐसा लमसम आइडिया नहीं दे सकते कि 400-500 लोग आए थे देखने के लिए, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, लाइक अब नॉर्मल नंबर देना चाहिए, लाइक 420 को ख़त्म हुआ, सुबह 4:20 को शुरू हुआ, या फिर इस तरह से इतने लोग आए। आ कार्यक्रम दबदबा भेर कोलाहल पूर्ण बनी गयो, आ कार्यक्रम आनंद सब कोई ना चेहरा पर डोकू करी आपतो हतो, ये हम नॉर्मली लिखते हैं, अब कुछ नया आया है। आपको ये अहवाल जो है हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने लिखा हुआ है, और स्कूल का प्रिंसिपल चाहते हैं कि ये अखबार में छपे, जो हमारे शहर के लोग हैं, वाली है, उसके अंदर भी ये जागृति आए कि भाई ऐसे हमें पुस्तक प्रदर्शन करने चाहिए। तो उसने अखबार वाले को ये पूरा अहवाल लेखन लिख के भेज दिया, बोला कि प्लीज़ आप अपने जो अखबार है न्यूज़पेपर है उसमें इसको छापिएगा, लोगों को इसकी जानकारी मिले, इसलिए लिखा है यहाँ पर प्रतिश्री, हमें भी इसी तरह से लिखना है, प्रतिश्री तंत्री मतलब एडिटर जी गुजरात समाचार ये नाम है, अब यहाँ पर भावनगर है, अगर आप सूरत में तो सूरत लिखोगे, जो यहाँ पर होगा मेवासा एक छोटा सा गांव का नाम है, चाहे मेवासा, अगर यहाँ पर अपने भावनगर लिखा है चलेगा, अहमदाबाद लिखा चलेगा, सूरत लिखा चलेगा। नमस्कार, हमारी शाला में उजवामां आवेल आ पुस्तक प्रदर्शन में अहवाल अपना दैनिक पत्र मतलब न्यूज़पेपर में जनहित लोगों के हित के लिए प्रकट कर शो, ऐसी हमारी लागणी है। लास्ट में लिखा है आचार्य कौमा कर्म तीर्थ विद्यालय कौमा एंड लास्ट में लिखा है मेवासा। इस तरह से आपको ये जो एंडिंग कार्य है वो बहुत ही अच्छी तरह से कर लेना है। खास ध्यान रखें अहवाल लेखन में क्या क्या चीज़ को फॉलो करते हैं, यूज़ पास्ट टेंस, आपको सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, परफेक्ट डेट देनी है, ऊपर की साइड में अगर आपने 24 दिया तो अंदर की साइड में हमने 23 दिया, परफेक्ट टाइमिंग सवारे 7:20 बपोरे 3:20 सांजे 4:20 जो लिखना है उस हिसाब से, तो पीछे के साइड में लिखेंगे वाग्य, परफेक्ट प्लेस कहाँ पर हुआ, स्कूल के अंदर हुआ तो कहाँ पर, रमत गमत का मैदान है, सभाखंड है, 10th स्टैंडर्ड बच्चों का जो क्लासरूम है वहाँ पर हुआ, परफेक्ट डेजिग्नेशन कौन सा बंदा इसको ओपनिंग करने वाला है, तो जैसे मैंने आपको आगे भी बताया दैट इज़ मेयर हमेशा रखो और नाम भी ईजी लिखो हमेशा,
3 to 5 पैराग्राफ का इसमें इस्तेमाल करना है। एक पेज लिखोगे तो थोड़ा अच्छा है। हर एक फंक्शन के एंड में हमेशा एंड में हड़वा नाश्ता होता है, तो हड़वा नाश्ता मतलब लाइट नाश्ता हम जो कहते हैं ब्रेकफास्ट करवाने का, और उसके अंदर हो सकता है तो फलाहार देने का, लाइक सफरजन यानी कि सेब है, केला है, चीकू है, ये दिया गया, फिर चॉकलेट बांटी गई, तो इस तरह से बटा का पौवा खिलाया गया, ये भी आप लिख सकते हो। स्टार्टिंग में इफेक्टिव टाइटल आपको देना बहुत ज़रूरी, ऊपर की साइड में हेडिंग लगाएंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, इन्वर्टेड कोमा देंगे, और उसके बाद आपको राइट हैंड साइड के अंदर डेट लिखनी है, प्लेस लिखना है, प्लेस के अंदर ज़्यादातर सिटी का नाम देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ अहवाल लेखन तैयार किए हैं आपके लिए, ज़रा ध्यान से मैं पढ़ लेता हूँ। 5 मार्च 2015 सूरत, देखो यहाँ पर लिखा है सूरत शहर में थे महादानु आयोजन, अंडरलाइन है, इन्वर्टेड कोमा है। दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण सूरत शहरना प्रसिद्ध भटार विस्तारनी विद्या भारती शाळामां रक्तदान महादाननुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ माटे शाळाना शिक्षक शिक्षिका आचार्य द्वारा करवामां आवेल योग्य मार्गदर्शनने ध्यानमां लई शाळाना विद्यार्थी अने विद्यार्थीओए आ विस्तारमां पेम्पलेट द्वारा, बेनर द्वारा अने घरे घरे जईने लोकोने मुलाकात लई लोकोने रक्तदान विशे जाणकारी आपी अने रक्तदान विशे जागृत कर्या हता। 4 मार्च 2015 सवारे 9:30 शहरना मेयर श्री रामभाई पटेल द्वारा दीप प्रागट्य करवामां आव्युं अने शाळाना मैदानमां सौ प्रथम शाळाना आचार्य अने मेयर श्रीए रक्तदान आपी अने शुभ शुरुआत करी। त्यारबाद शाळाना वालीगण अने युवान विद्यार्थीओए जे उमरमां 18 वर्षथी वधारे हता तेवा भूतपूर्व विद्यार्थीओ पण आ कार्यक्रममां पोतानुं योगदान अने सहयोग देवा माटे आव्या। શાળામાં અગાઉથી તે ફળાહારની સાથે ચા, કોફી, લીંબુ શરબત અને બિસ્કિટની વ્યવસ્થા કરી હતી। પટાર વિસ્તારના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ શ્રી રમેશભાઈ જોશીએ આ બધા લોકો માટે રક્તદાનના માટે ભેટને અને પ્રમાણપત્રની પણ આપવાની રજૂઆત કરી હતી, આથી એ પણ આપ્યા હતા। આ કાર્યક્રમ સાંજે 6:30 સમાપ્ત થયો, તેમાં 364 યાની 364 જેટલી 300 cc એ ક્યુબિક સેન્ટીમીટર ને રક્તની બોટલ એકઠી કરી અને શહેરની રક્તદાનમાં જમા કરવામાં આવી હતી, જેથી શહેરમાં અને દેશમાં જે લોકો યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય સ્થળે રક્ત પહોંચી શકે। પ્રતિશ્રી તંતેશ્રી ગુજરાત સમાચાર સુરત, નમસ્કાર, અમારા વિસ્તારમાં થયેલ રક્તદાન મહાદાનનો અહેવાલ આપ આપના વર્તમાન પત્રમાં છાપશો તેવી વિનંતી છે। આચાર્ય વિદ્યા ભારતી શાળા સુરત। इसी तरह से आपके सामने एक दूसरा भी अहवाल लेखन है, आप इसको ध्यान से पोज करके पढ़िएगा। सूरत शहर में थे विज्ञान मेला नु आयोजन, उसका भी इसी तरह से सूरत शहर में करवामां आवेल समूह लग्न, ये एक नया टॉपिक है, उसको भी आप जरूर देखिएगा, समझिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी इंक्वायरी, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स हमें और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम थोड़ी बहुत मेहनत आपके पीछे करते तो आप थोड़ा सा टाइप करके आप अपनी ज़रूर कमेंट्स दिखिएगा।